पोजीशन हमें डेफिनेटली पता नहीं है, इज नॉट डेफिनेटली नोन. दो सिनेरियो हैं इसके अंदर में. पहला है कि एट दिस इंस्टेंट, यानी इस समय पे, इस टाइम पे, इस क्षण पे, एट दिस इंस्टेंट पार्टिकल हैज डेफिनेट पोजीशन पार्टिकल का पोजीशन है तो डेफिनेट हमें पता नहीं है, बट वी डू नॉट नो. हमें केवल उसके प्रोबेबिलिटीज पता है. जैसे मान लीजिए हम आपके सामने यहाँ पर एक, यहाँ आप देखें यहाँ पे बहुत सारे चौक पड़े हुए हैं, एक बहुत सारे चौक पड़े हुए हैं, अलग अलग कलर्स के चौक पड़े हैं. इसको भी मिला देता हूँ मैं. ये अलग अलग किस्म के चौक पड़े हुए हैं. कुछ ब्लू चौक हैं, कुछ रेड चौक हैं, कुछ येलो चौक हैं, एक वाइट चौक भी दिख रहा है, ग्रीन चौक भी दिख रहा है. तो अगर मैं लिखूँ कौन सा कितना है, तो देखिए ब्लू की नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 ब्लू चॉक्स हैं. तो अगर हमने कहा 6 ब्लू चॉक्स हैं इसके अंदर में, और रेड 1, 2, 3, 4 इसमें रेड चॉक्स हैं, फिर 2 येलो 1 ग्रीन 2 येलो 1 ग्रीन और 1 वाइट. ये इतने सारे चौक यहाँ पे पड़े हैं. अब इनको मैंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करके और इसके अंदर में ऐसा रख लिया, छुपा लिया. अब हमें पता नहीं है कौन से कहाँ हैं. और फिर हमने एक चौक इसमें से निकाली और बिना देखे हुए उसको एक दूसरे इसके अंदर कपड़े के अंदर हमने ले लिया. अब ये क्या है? ये ब्लू है. इसके अंदर एक चौक वहाँ से निकाली है. अब ये ब्लू है या ग्रीन है या रेड है, क्या है ये हमें पता नहीं है. क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता है. क्या प्रोबेबिलिटी है वो पता है. टोटल कितने हैं? 10, 12, 13, 14 14 है टोटल. 1, 2, 4, 8, 14 है. तो ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी है 6/14, रेड की प्रोबेबिलिटी है 4/14, येलो की प्रोबेबिलिटी है 2/14, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 1/14 और वाइट की प्रोबेबिलिटी है 1/14. तो ये अगर हमने कोई पूछा कि इसमें जो चौक है उसका कलर क्या है, तो उसके 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबल परिणाम हो सकते हैं, 5 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं. और हमें कुछ आंसर का पता नहीं है, लेकिन हर आंसर के बारे में मैं प्रोबेबिलिटी जानता हूँ कि किस आंसर की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो एक ये सिचुएशन है कि है तो फिक्स, इसमें क्या है वो फिक्स है, वो जो है सो है, मुझे पता नहीं है. और इसके कारण से हम ये इग्नोरेंस करते हैं. जब हम इसको खोलते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा, इसके कारण इसके अंदर में ब्लू है. लेकिन बिफोर हैंड ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो मेज़रमेंट किया कि कौन सा कलर है, ये हमारा मेज़रमेंट है. आँखों के द्वारा हम कलर देख रहे हैं, कलर नाप रहे हैं. तो इस मेज़रमेंट के ये 5 अलग अलग पॉसिबल रिजल्ट्स थे. हमें पता नहीं था, हमें प्रोबेबिलिटीज पता थी, लेकिन उसका परिणाम तो फिक्स था, मुझे पता नहीं था. ये एक सिनेरियो है. एक दूसरा सिनेरियो है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये दूसरा वाला सिनेरियो ही काम आता है. वो दूसरा सिनेरियो ये है कि एट दिस इंस्टेंट, इस समय पे, द पार्टिकल इज इन मिक्स्ड स्टेट ऑफ डिफरेंट पोजीशंस. मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरा अज्ञान नहीं है, ये पार्टिकल ही एक डेफिनेट पोजीशन नहीं है इसका. इस समय पे इसका डेफिनेट पोजीशन है ही नहीं.
तो ये मिक्स्ड स्टेट में है ये, और वो जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट पोजीशन वाले स्टेट है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है लेकिन है उसका एक पोजीशन, ऐसा नहीं है। उस पार्टिकल का एक पोजीशन है ही नहीं तो मुझे क्या पता होगा और किसी को भी क्या पता होगा। तो ये दूसरा सिनेरियो है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्योर स्टेट्स उसको कहेंगे जिसमें कि इस टाइप का जो हमने डेल्टा फंक्शन कहा था, अगर पोजीशन की बात करें तो ये है वो वेव फंक्शन जो कि इस पोजीशन के लिए एक्स बराबर एक्स नॉट प्योर स्टेट है। यानी ये पोजीशन होना है तो ये वेव फंक्शन होना है, ये प्योर स्टेट्स है। अगर हमारा इस जगह पे वो डेल्टा फंक्शन आता, यहाँ पे डेल्टा फंक्शन आता, तो वो एक दूसरा प्योर स्टेट होता, तीसरा होता तो एक दूसरा तीसरा प्योर स्टेट होता, ये प्योर स्टेट्स होते। लेकिन ये मिक्स्ड स्टेट है, इसमें ये सब शामिल है, x बराबर x1, x बराबर x2, बीच वाले x3, x4, ये सब इसमें शामिल है। एक ही समय पे इस पार्टिकल को ये स्टेट भी है और ये स्टेट भी है और ये स्टेट भी है और ये स्टेट भी है। तो इसलिए ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है, वो इंट्रिंसिकली उस पार्टिकल में एक पोजीशन है ही नहीं एक इंस्टेंट के ऊपर, एक ही इंस्टेंट पर कई सारे पोजीशंस के का वो मिक्स्ड स्टेट है। तो प्योर स्टेट्स भी अलाउड हैं और मिक्स्ड स्टेट भी अलाउड हैं। इसी तरह से लीनियर मोमेंटम, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी, थ्री डिमेंशन में जाएंगे तो इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे जो मिक्स्ड स्टेट्स होते हैं जिनमें कि हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, वो है वहाँ पे, हमें इसलिए नहीं पता है कि वो वहीं पर मिक्सिंग है, वहीं पे मिक्सिंग है। जब हम मेजरमेंट करके और उसका पोजीशन पता करते हैं तब क्या होता है, जब मेजरमेंट हम करते हैं तो हम मेज़र कर लेते हैं, ओ ये रहा पार्टिकल, इतनी प्रोबेबिलिटी है ना, तो मेज़र करोगे तो यहाँ पे मिल सकता है, मिल गया। जब मिल गया तब पक्का पता हो गया कि यहाँ पर है, और तब ये वेव फंक्शन भी बदल गया और ये वेव फंक्शन बदल करके डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। अगर वो आपने पोजीशन एकदम पक्का नाप लिया तो फिर ये वेव फंक्शन भी बदल करके और ये वेव फंक्शन बदल जाएगा। तो हम कहते हैं मेजरमेंट हैज़ डिस्टर्ब द सिस्टम, क्या था और क्या हो गया, ये मिक्स्ड स्टेट था और ये प्योर स्टेट बन गया। ये ध्यान पे रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग जब वेव फंक्शन की बातें करते हैं तो हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो कई बार मिक्स्ड स्टेट्स होते हैं, वो प्योर स्टेट नहीं होते हैं। और तब उनमें एक पोजीशन हो ज़रूरी नहीं है, एक टाइम पे एक लीनियर मोमेंटम हो ज़रूरी नहीं है, उस टाइम पे एक एनर्जी हो ज़रूरी नहीं है, एक काइनेटिक एनर्जी हो ज़रूरी नहीं है। ये बहुत मूल तत्व है, इसको ज़रूर आप हृदयंगम करने की कोशिश कीजिएगा तो आगे की चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगेंगी, मज़ेदार लगेंगी।